वेल हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो वी विद द गेमर्स। अब मैंने अपने चैनल पे टॉप 10 गेम सीरीज स्टार्ट कर दी है। सो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10 ऐसे गेम्स के बारे में जिनके ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा इनसेन है एंड वो अपने एंड्रॉइड में एग्जिस्ट करते हैं। हमारी वीडियो का टाइटल भी यही है, टॉप 10 गेम्स विद इनसेन ग्राफिक्स फॉर एंड्रॉइड डिवाइसेज। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट अस चेक आउट दिस इंटरेस्टिंग गेम। बट अगर तुम चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। नंबर 10 पे गेम आता है गेम लॉफ्ट का एक बहुत ही ज्यादा फेमस FPS शूटर गेम यानी कि मॉडर्न कॉम्बैट 5। इस गेम में ग्राफिक्स तो इनसेन देखने को मिल ही जाते हैं, एक बेटर शूटिंग एक्शन भी देखने को मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पे एक बेटर स्टोरी लाइन भी देखने को मिल जाएगा तुम लोगों को। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फाइट होती है एंड यहाँ पे जो तुम लोग डिफरेंट डिफरेंट वेपन्स इस गेम में देखोगे, डिफरेंट डिफरेंट मैप्स देखोगे एंड क्या एडवेंचर डाला है ना इस गेम में, वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। इसको चेकआउट कर लेना, इसका लिंक मैं तुमको पिन कमेंट में प्रोवाइड करा दूंगा एंड डायरेक्टली तुम इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। बात अगर इनसेन ग्राफिक्स की हो रही है तो हम किसी रेसिंग गेम को कैसे बोल सकते हैं। नंबर 9 पे गेम आता है रेबल रेसिंग। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बढ़िया ड्रिफ्टिंग एक्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे बहुत सारे कार्स एंड व्हीकल्स देखने को मिल जाते हैं जिनको तुम अपने हिसाब से कलेक्ट कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, यहाँ पे कलर वगैरह लगा सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स तुम इक्विप कर सकते हो अपनी कार पे। साथ ही साथ बीच साइड एंड रोड साइड जो इनकी रेसिंग होती है वो बहुत ज्यादा बढ़िया लगी मुझे। इसको तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, ये भी प्ले स्टोर पे फ्री में अवेलेबल है, डाउनलोड करके तुम इसको चेकआउट कर लेना, लिंक पिन कमेंट में मिल जाएगा। जैसे जैसे नंबर्स कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे गेम्स की ग्राफिक्स भी बढ़िया आते जा रहे हैं। नंबर 8 पे गेम आता है आयरन ब्लेड। ये गेम लोग का एक बहुत ही ज्यादा फेमस गेम था। एक्चुअली में इसके जो ग्राफिक्स है वो कंसोल लेवल है एंड यहाँ पे तुम लोग देख भी रहे होगे इनका जो लेवल सेट एकदम गॉड ऑफ वॉर की याद दिला देता मुझको। प्लस यहाँ पे जो वॉरियर एक्शन दिखाया गया है, जो मतलब एपिक फाइट्स यहाँ पे दिखाई गई है एंड यहाँ पे जो एपिक वेज एंड जो ये कास्टल्स वगैरह दिखाई गई है वो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल है एंड यहाँ पे इसको तुम लोग ट्राई कर सकते हो। प्ले स्टोर पे फ्री में अवेलेबल है बट इसका जो साइज है वो थोड़ा ज्यादा है। प्ले स्टोर पे ये अराउंड 54 MB की APK है लेकिन इसके अंदर तुम लोगों को डाटा डाउनलोड करना पड़ेगा, वो तुम अपने हिसाब से कैसे करके डाउनलोड कर लेना। वैसे इसका लिंक तुम लोगों को पिन कमेंट में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। सो गाइस इस गेम को मैं वॉरजोन का क्लोन कहना पसंद करूंगा। नंबर 7 पे हमारा गेम आता है कॉम्बैट मास्टर एंड यहाँ पे जो फाइट है बिल्कुल कॉल ऑफ ड्यूटी से मैच करती है। एक बेटर FPS शूटिंग गेम जो कि तुम लोग फ्री में डाउनलोड करके प्ले कर सकते हो एंड सबसे बड़ी मजेदार बात है इसका साइज जस्ट 600 MB है एंड ये फ्री में अवेलेबल है प्ले स्टोर पे। हाँ ये मतलब पहले भी आने वाला था लेकिन वॉरजोन ने इन पे भी टेक डाउन वगैरह कर दिया था, इसके बाद ये दोबारा से रिलीज किया गया है। प्ले स्टोर पे फ्री में अवेलेबल है डाउनलोड करके। इस गेम का साइज थोड़ा ज्यादा है, फिर भी अगर तुम लोगों को मोबाइल पे इनसेन ग्राफिक्स चाहिए तो इसको तुम लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा। यस नंबर 6 पे हमारा गेम आता है ब्लेड्स ऑफ गॉड एंड जैसे इसका नाम है ये गॉड ऑफ वार से मैच भी करता है। ये गॉड ऑफ वार से मैच करता है तो आई थिंक इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तुम इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। 2.1 GB इसका साइज है। सो बेटर स्टोरी लाइन देखने को मिल जाता है एंड बेटर इनसेन ग्राफिक्स भी देखने को मिल जाता है। इसको तुम चेकआउट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, लिंक पिन कमेंट में है। इस गेम के गेम प्ले की ब्रीफ में मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो अपने चैनल पे भी मैंने डाली है लेकिन फिर भी मैंने इसको लिस्ट में ऐड किया है। यस हम लोग बात करने वाले नंबर 5 पे गेम पे डे की एंड जो इसके ग्राफिक्स है एंड जो इसमें जो ये हेस्ट करते हैं, जो ये बैंक वगैरह लूटते हैं ना, वो जो एक्शन दिखाया गया ना वो बहुत ही ज़्यादा फनी भी है एंड बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार भी है। जो इसमें एक्शन दिखाया गया ना वो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा मुझे एंड जो इसके ग्राफिक्स है, जो इसमें मतलब जो सनलाइट वगैरह पड़ती है एंड जो मतलब ओवरऑल जो इन्वायरमेंट दिखाया है वो एकदम रियल सिटी की तरह दिखाया गया है एंड जो कि तुम इसके गेम प्ले में भी देख पा रहे होगे। सो अभी के लिए ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है इंडिया में एंड ये टैप टैप पे मिल जाएगा, इसका लिंक मैं तुम लोगों को जरूर से प्रोवाइड कराऊंगा लेकिन फिर भी अगर तुम लोग टैप टैप यूज़ करते हो तो इसको तुम फ्री में वहाँ से डाउनलोड कर पाओ। ओके सो गाइस नंबर 4 पे हमारा गेम आता है ऑफ रोड एडवेंचर एंड यहाँ पे गेम प्ले में थोड़ा बहुत लैग देखने को मिल रहा होगा, वो इसीलिए मिल रहा है जो ग्राफिक्स है वो तुम लोग देख भी पा रहे हो कितने ज़्यादा इनसेन है एंड यहाँ पे जो इन्होंने ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट करी है, जो इन्होंने डिस्ट्रक्शन बनाया है, जो इन्होंने रोड्स वगैरह बनाए हैं, जो कार का फिजिक्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगे मुझे, इसीलिए मैंने इसको लिस्ट में ऐड किया है एंड यहाँ पे तुम लोग इसका गेम प्ले भी देख पा रहे होगे, जो कार पे जो रिफ्लेक्शंस पड़ रही हैं सन की वो कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। सो इसको तुम लोग डाउनलोड करके ट्राई कर सकते हो, प्ले स्टोर में फ्री में अवेलेबल है, अराउंड 600 MB का कुछ ही गेम है, तो इसको तुम लोग डाउनलोड करके प्ले कर लेना एंड बताना कमेंट में कैसा लगा तुम्हें। आई थिंक इस गेम के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता दूँ ये GTA 5 का एक फैन मेड गेम है जो कि टेक 18 एंड हैदर अली ने बनाया है। इसके ऊपर भी मैंने एक ब्रीफ में वीडियो बनाई थी
चैनल पे, वो तुम लोग देख सकते हो, लिंक मैं तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। एंड यहाँ पे जो ग्राफिक्स तुम देख पा रहे होगे वो कितने ज़्यादा बढ़िया है, एंड गेम का जो फिजिक्स है वो भी कितना ज़्यादा बढ़िया है। सो मैं इसको पहले ही मतलब एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो उस वीडियो को तुम लोग देख लेना। बाकी इस गेम को तो अगर तुम लोग डाउनलोड करना चाहते हो तो मैं इसके डेवलपर्स का लिंक दे दूंगा, वहाँ से तुम लोग जाके इस गेम को डाउनलोड कर पाओगे। ऑलराइट गाइज, अब हम लोग बात करने वाले नंबर दो पे जो गेम आता है उसका नाम है एरिना ब्रेकआउट। आई थिंक तुम लोगों ने इसको ट्राई कर लिया होगा, एंड अगर तुम लोगों ने इसको ट्राई नहीं किया है तो तुम लोगों ने एक बहुत ही ज्यादा मोबाइल का गेम मिस कर दिया है। जो ग्राफिक्स इसके ट्रेलर में दिखाई गई है वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है इस गेम में भी। सो इस गेम में जो ग्राफिक्स है, जो इसका एनवायरमेंट है, जो सनरेज हमारे ऑब्जेक्ट पे गन पे पड़ती है, वो जो रिफ्लेक्शन आती है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, एंड कौनसल लेवल फील आती है इस गेम में। इसको ट्राई कर लेना भाई, मैं इसको हाईली रिकमेंड करूँगा, इसको डाउनलोड करके प्ले कर लेना, लेकिन इन कंडीशन तुम्हारे पास एक अच्छा खासा डिवाइस होना चाहिए। इसको डाउनलोड कर लेना, ये प्ले स्टोर पे इंडिया में अवेलेबल नहीं है, फिर भी मैं तुम लोगों को इसका डाउनलोड लिंक प्रोवाइड करा दूंगा इन कमेंट में, वैसे टैप टैप पे भी ये तुम लोगों को मिल जाएगा। आई थिंक तुम लोगों ने नाम पढ़ ही लिया होगा। यस, नंबर वन पे गेम आता है कारेक स्ट्रीट एंड माय फेवरेट रेसिंग गेम। बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था ये गेम, एंड अच्छा लगता है ऐसे गेम्स जब अपने एंड्रॉयड में आते हैं उनको पब्लिक बढ़िया रिस्पांस देती है। पीसी का बहुत ज़्यादा फेवरेट एंड फेमस गेम रह चुका है ये, सो इसलिए अगर ये एंड्रॉयड में आया सो सेम इसमें ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं पीसी वाले ही, सो इसलिए पब्लिक ने इसको बढ़िया रिस्पांस दिया। ऑलराइट गाइस, तुम इसको डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर में, ये फ्री में अवेलेबल है। वैसे तो ये 1.2 GB का हो गया है वहाँ पे, लेकिन तुम लोगों को इसमें रिसोर्सेज डाउनलोड करने पड़ेंगे, अराउंड 3 से 4 GB का ये हो जाता है फाइनली, तो इसको ट्राई कर लेना। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नहीं है वो सब्सक्राइब भी कर लेना है ऐसी ही गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। सो तब तक के लिए गुड बाय, एंड मिलते हैं तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में विविध गेमर्स पे।